मुजफ्फरपुर पुलिस ने बंद घरों में चोरी करने वाले गिरोह का सोमवार को खुलासा किया। चोरों के पास से एक देसी कट्टा, नगद, जेवरात और अन्य सामान बरामद हुए। चोरों के गिरोह के चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी से हाल के दिनों में हुई चोरी की आधा दर्जन घटनाओं का भी खुलासा हुआ है। यह जानकारी एएसपी टाउन भानु प्रताप सिंह ने सोमवार को अपने कार्यालय में पत्रकारों को दी। बंद घर को गिरोह के सदस्य निशाना बनाते थे। चोरी की ज्यादातर घटना को देर रात में अंजाम देते थे। मकान में घुसने के लिए ताला तोड़ने के औजार भी इनके पास से बरामद हुए हैं। एएसपी टाउन भानु प्रताप सिंह ने बताया कि मिठनपुरा थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चैपमैन स्कूल के सामने WHO के मैदान में कुछ लोग अपराध की योजना बना रहे हैं। इसके बाद मिठनपुरा थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए चार युवकों को गिरफ्तार किया। उनके पास से चार चोरी के साइकिल, एक कट्टा, दो गोली और कुछ नकदी के साथ जेवरात बरामद हुई। गिरफ्तार युवकों की पहचान मिठनपुरा थाना क्षेत्र के तीन कोठिया निवासी अजय महतो, रामबाग चौरी निवासी मोहम्मद चांद और अहियापुर थाना क्षेत्र के दिलीप सिंह और मोहम्मद मुर्तजा के रूप में हुई है। दोनों छेट भगवतीपुर गांव के रहने वाले हैं। गिरफ्तार चारों युवकों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आ जाओ बड़ा बाबू, आप दोनों आ जाओ साइड में। और कौन था टीम में? शुरू करें। सर क्या है मामला? 19 अगस्त 2024 को हमें गुप्त सूचना मिली थी और गुप्त सूचना पाकर मिठनपुरा थाना क्षेत्र की पुलिस सक्रिय हुई और एक टीम का गठन किया गया था। और सूचना ये थी कि चर्च के सामने एक WHO का कार्यालय है, वहाँ पर कुछ अपराधकर्मी अपराध की योजना बना रहे हैं। तो उसकी सूचना पाकर पुलिस तुरंत मौके पर पहुँचती है और वहाँ से कुछ अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार अपराधकर्मियों के पास से बड़ी संख्या में कुछ चीज़ें हमें बरामद होती हैं, जिसका विवरण है कि नकद रुपये भी उनके पास से बरामद होते हैं, देसी एक कट्टा बरामद होता है, दो कारतूस बरामद होते हैं, चार चोरी की साइकिलें उनके पास से बरामद होती हैं, इसके अलावा चार मोबाइल हैं, तीन लोहे की रॉड हैं, तीन पेचकस हैं, दो टॉर्च हैं, दो प्लास हैं, दो रिंच हैं। इनका उपयोग ये लोग गृहभेदन और चोरी के लिए करते थे। इसके अलावा बहुत सारा सामान है जो आप जब्ती सूची में देख सकते हैं। साथ ही साथ कुछ चांदी के सिक्के हैं और कुछ पुराने सिक्के हैं, वो मिले हैं। तो पुलिस ने इसमें बहुत ही शानदार काम किया है और इनको मौके से ही अरेस्ट किया है और इन पर विभिन्न थानाओं के अंतर्गत बहुत सारे केस दर्ज हैं। जैसे मिठनपुरा में इन पर 6 केस मिठनपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही दर्ज हैं इनके पास। और भी जिन जिन थानों में इनके केस दर्ज हैं उसकी शिनाख्त की जा रही है और जाँच हमारी जारी है। अभी इसमें कुछ और एक दो अपराधकर्मी भी शामिल है, उसकी भी गिरफ्तारी के लिए टीम काम कर रही है और उसको हम जल्दी ही पकड़ लेंगे। तो ये लोग का एमओ क्या था? इनका एमओ यही था कि ये जो अभी आपको जो हमने बताए थे कि पेचकस, लोहे का रॉड, टॉर्च, ग्लास, इनका इस्तेमाल करके रात्रि में किसी के व्यक्ति के घर में जाते हैं और वहाँ से उसका लॉक तोड़ के और जो घर की जो वैल्यूएबल सिक्योरिटीज होती हैं उनको वहाँ से चुरा कर चले जाते हैं। पहले रेकी भी करते थे? हाँ, पहले इनमें से रेकी करते हैं साइकिल से दिन में और तत्पश्चात रात को ये उसको घटना को अंजाम देते हैं। अभी गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के नाम हैं अजय महतो, सन ऑफ महावीर महतो, जो आवेदा हाई स्कूल तिनकोटिया थाना मिठनपुरा का रहने वाला है। दूसरा व्यक्ति है मोहम्मद चांद, सन ऑफ मोहम्मद हबीब, जो रामबाग चौड़ी थाना मिठनपुरा का रहने वाला है। तीसरा अभियुक्त है दिलीप सिंह, सन ऑफ मुन्नीलाल सिंह, जो छिट भगवतीपुर चंदवारा डाव थाना अय्यापुर का है। और चौथा अभियुक्त है मोहम्मद मुर्तजा उर्फ सोनू, सन ऑफ मोहम्मद जान, जो कि छिट भगवतीपुर चंदवारा डाव थाना अय्यापुर का रहने वाला है। तीनों का सर मुजफ्फरपुर के अलावा किसी और जिला से कनेक्शन? उसको भी हम खंगाल रहे हैं और निश्चित रूप से